नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका गाजा में तत्काल संघर्ष विराम के लिए है प्रतिबद्ध। इसराइल के शीर्ष नेताओं से की मुलाकात। हमास से संघर्ष विराम समझौते को स्वीकार करने की दोहराई मांग। मानवीय सहायता संगठन वर्ल्ड सेंट्रल किचन सेंटर ने गाजा में बहाल किए काम। इजरायली हमले में अपने 7 कर्मचारियों की मौत के बाद निलंबित कर दिया था कार्य। इजरायल ने उत्तरी गाजा में सहायता के लिए फिर से खोला इरेज क्रॉसिंग। दक्षिण कोरिया ऐतिहासिक रक्षा समझौता ऑकस में शामिल होने पर कर रहा है विचार। ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष के साथ बैठक के बाद दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने कहा, ऑकस पिलर 2 में साझेदारी की संभावना पर हुई चर्चा। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी कमान मुख्यालय को निशाना बनाने का किया दावा। खार्किव और हायरिंक में रूसी हमले में कई की मौत। रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण चासिव यार के बाहर पहुंची रूसी सेना। यूक्रेनी सेना ने कहा, हथियारों की कमी के चलते रूस को रोकने में हो रही है परेशानी। केन्या में बारिश का कहर जारी। बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 181 के पार। करीब 2 लाख लोग विस्थापित। सड़क पुल और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। बात करते हैं इसराइल हमास संघर्ष की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इसराइल दौरे के दौरान संघर्ष विराम के एक नए प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जा रहा है। हालांकि फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच किसी समझौते पर पहुंचने के लिए अभी और काम किए जाने की जरूरत है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में भोजन की गंभीर कमी के कारण संभावित अकाल की चेतावनी दी है। इसराइल हमास के बीच संघर्ष विराम के नए प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस सिलसिले में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसराइल के दौरे पर हैं और वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने हमास से संघर्ष विराम समझौते को स्वीकार करने की अपनी मांग दोहराई। साथ ही वे गाजा में नागरिकों को सहायता बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में भोजन की गंभीर कमी के कारण संभावित अकाल की चेतावनी दी है। ब्लिंकन ने तेल अवीव में इजरायली राष्ट्रपति इजाक हर्जोग के साथ वार्ता की शुरुआत में कहा कि बंधकों को घर लाने के लिए संघर्ष विराम समझौते के लिए अथक निश्चित संकल्प के साथ काम करना जारी रखे हुए हैं। साथ ही गाजा के लोगों पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। हालांकि हमास का कहना है कि वो संघर्ष विराम पर इजरायली प्रस्तावों के मसौदे की समीक्षा कर रहा है। इस बीच ब्लिंकन ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की। इस समय मेज पर एक बहुत मजबूत प्रस्ताव है। हमास को हाँ कहने और इसे पूरा करने की जरूरत है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप अपने प्रियजनों के साथ फिर से नहीं मिल जाते। हमास और इसराइल के बीच मिस्र की राजधानी में चल रही अप्रत्यक्ष वार्ता फिलहाल अहम मोड़ पर है। इस बीच फ्रांस की विदेश मंत्री ने कहा है कि मिस्र द्वारा वार्ता पर उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच किसी समझौते पर पहुंचने के लिए अभी और काम किए जाने की जरूरत है। इस बीच वर्ल्ड सेंट्रल किचन सेंटर ने गाजा में अपने कामों को बहाल कर दिया है। करीब 1 महीने पहले इस मानवीय सहायता संगठन ने इजरायली हवाई हमले में अपने 7 कर्मचारियों के मारे जाने के बाद संघर्षग्रस्त इलाके में अपने काम को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। उधर तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार मामले में शामिल होने की इच्छा जताई है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने के बाद तुर्की ICJ में अपने दस्तावेज को जमा कराएगा। हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रस्तुत अदालती मामले में शामिल होने का फैसला किया।
इस कदम के साथ हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रक्रिया सही तरीके से आगे बढ़ेगी। उधर अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस फिलिस्तीन और इसराइल समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प की रिपोर्ट के बाद परिसर में पुलिस को बुला लिया गया। इन झड़पों के वीडियो फुटेज में प्रदर्शनकारियों को एक दूसरे पर लाठियां फेंकते और अवरोधक को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। वहीं न्यूयॉर्क सिटी पुलिस ने न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय और सिटी कॉलेज में फिलिस्तीनी समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लगभग 300 लोगों को हिरासत में ले लिया है। एक महत्वपूर्ण खबर के अनुसार दक्षिण कोरिया ऑकस में शामिल होने पर विचार कर रहा है। मेलबर्न में हुई एक बैठक में दक्षिण कोरिया की ऑकस की सदस्यता पर चर्चा हुई है। दरअसल ऑकस ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक सुरक्षा समझौता है। चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए 3 साल पहले यह समझौता हुआ था। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इंडोनेशिया के रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट से इलाके में खलबली मच गई। विस्फोट के बाद आसपास में 5 किलोमीटर से भी अधिक दूर तक रात का घना बादल छा गया। अलर्ट की स्थिति के कारण पास के द्वीपों में रहने वाले 12,000 से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा। इस घटना के बाद इंडोनेशिया में कई उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। द्वीप समूह के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में ज्वालामुखी मंगलवार को कम से कम 3 बार फटा, जिससे आशंका है कि मलबा समुद्र में गिर सकता है और सुनामी का कारण बन सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ऑम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेन को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेन सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ। तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। आज हमारी देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डर कर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है, देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यह है मोदी की गारंटी और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भीषण बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने सहयोगी देशों से हथियारों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण तेजी लाने का आह्वान किया है। तो वहीं रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यूक्रेन में मॉस्को के सैन्य अभियान को मजबूती देने के लिए सैनिकों को तेजी से हथियारों की आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के ओडिशा में यूक्रेनी सेना के दक्षिणी समूह के कमान मुख्यालय को ध्वस्त करने का दावा किया है, जबकि यूक्रेन ने कहा है कि रूस द्वारा दागी गई मिसाइल में 3 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि रूस की तरफ से कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कहा है कि अग्रिम पंक्तियों पर रूसी सेना अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है। यूक्रेनी अभियोजकों ने कहा है कि ओडिशा में रात भर हुए हमले में आवासीय इमारतें और नागरिक बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि दक्षिणी सैन्य कमान ने कहा है कि प्रशासनिक और आवासीय इमारतें, चिकित्सा और शैक्षणिक संस्थान प्रभावित हुए हैं। 2 साल से अधिक समय से जारी युद्ध में ओडिशा अक्सर रूस के निशाने पर रहा है।
वहीं बुधवार को रूस ने एक बार फिर खार्किव शहर पर बम बरसाया। इस हमले में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। खार्किव के मेयर ने कहा है कि हमले में कई रिहायशी इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। इस साल बसन से खार्किव रूस के तीव्र हमलों की चपेट में है। रूसी सेना ने बड़े पैमाने पर क्षेत्र के नागरिकों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना शुरू किया है। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सहयोगी देशों से हथियार की आपूर्ति में महत्वपूर्ण तेजी लाने का आह्वान किया है ताकि अग्रिम पंक्ति के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही रूसी सैनिकों का सामना करने में यूक्रेनी सैनिक सक्षम हो सकें। हम अतिरिक्त पैट्रियट सिस्टम पर काम कर रहे हैं। हमें उस समय बहुत खुशी होगी जब ये यूक्रेन पहुंचेंगे, जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है। रूस की सेना आगे की आक्रामक कार्रवाई की तैयारी कर रही है। उधर रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु ने यूक्रेन में मास्को के सैन्य अभियान को मजबूती देने के लिए हथियारों की आपूर्ति में और तेजी लाने का आदेश दिया है। यूक्रेन ने मास्को की लड़ाई के लिए शीर्ष सैन्य कमान के साथ एक बैठक में इस अभियान के प्रभारी वालेरी गेरासिमो ने शोइगु को इससे संबंधित एक रिपोर्ट सौंपी। हाल के महीनों में यूक्रेन हथियारों की कमी की लगातार शिकायत करता रहा है जबकि इस दौरान रूसी सेनाएं दक्षिण पूर्व की अग्रिम पंक्तियों पर तेजी से बढ़त बनाने में सफल रही हैं। रूस ने खार्किव क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए डोनेट्स्क क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन गांव पर कब्जा कर लिया है। कीव के शीर्ष कमांडर कर्नल अलेक्जेंडर सिस्की ने रविवार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर पश्चिम ने जल्दी से हथियार नहीं मुहैया कराया तो यूक्रेन को और अधिक जमीन खोने का खतरा है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाएं अपने अभियान को योजना के अनुसार अंजाम दे रही हैं। सैन्य समूह दबदबे को बरकरार रखने के लिए सैनिकों को आपूर्ति किए जाने वाले हथियारों और सैन्य उपकरणों की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि करना आवश्यक है, खासतौर से विनाशकारी हथियार की आपूर्ति को। उधर मास्को की सेना चासी यार के बाहरी इलाकों में पहुंच चुकी है। वहीं यूक्रेनी सेना का कहना है कि पर्याप्त हथियार न होने के कारण उसे शहर को बचाने में दिक्कत पेश आ रही है। रूस को यहां सफलता मिलने का मतलब है कि पश्चिमी क्षेत्र का उसका लक्ष्य और आसान हो जाएगा। यदि हमें लंबी दूरी के हथियार मिलते हैं तो रूसी सेना को रसद और आपूर्ति से काटी जा सकती है और हम उनके कमांडो चौकियों पर हमला करने में सक्षम होंगे। इस बीच यूक्रेन की सरकारी ऊर्जा कंपनी के प्रमुख ने कहा है कि देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर रूसी हवाई हमलों के बावजूद यूक्रेन को इस सर्दी में विदेशी कंपनियों और व्यापारियों के लिए लगभग 4 बिलियन क्यूसिक मीटर गैस का भंडारण करने की उम्मीद है। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 60% अधिक होगा। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। जॉर्जिया में फिर से विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को पानी की बौछार करनी पड़ी। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले और स्टेन ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया है। दरअसल एक महत्वपूर्ण बिल पर संसद में दोबारा चर्चा शुरू होने से प्रदर्शन बढ़े हैं। दूसरी ओर सरकार के समर्थकों ने भी संसद के बाहर डेरा डाला हुआ है। जॉर्जिया में इस हफ्ते फिर से विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सुरक्षा बल पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले और स्टेन ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस ने अब तक 63 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। इससे पहले सांसदों को संसद में घुसने से रोकने वाले प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए काली मिर्च स्प्रे और लाठियों का इस्तेमाल किया गया। मुख्य विपक्षी पार्टी ने प्रदर्शन के दौरान अपने एक बड़े नेता की पिटाई किए जाने का आरोप लगाया है। यूरोपीय संघ ने जॉर्जिया से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए अधिकार का सम्मान करने और उनके खिलाफ बल प्रयोग नहीं करने का आह्वान किया है। ईयू के विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि जॉर्जिया यूरोपीय संघ की सदस्यता का दावेदार देश है। प्रदर्शनों को बलपूर्वक कुचलना बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। इन प्रदर्शनों के कारण एक बिल है जिस पर संसद में दोबारा चर्चा हो रही है। इससे पहले विधेयक को एक बार संसद से पारित किया जा चुका है। विदेशी एजेंट नामक इस विधेयक को विरोधी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकेल कसने की कोशिश बता रहे हैं। विरोधियों का आरोप है कि बिल रूस से प्रेरित है। विधेयक विदेशों से 20% से अधिक धन प्राप्त करने वाले संगठनों को विदेशी एजेंट के रूप में पंजीकृत होने के लिए मजबूर करेगा। विधेयक ने ध्रुवीकृत दक्षिण कॉकेकस देश में राजनीतिक संकट पैदा कर दिया है। जॉर्जिया यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहता है और पिछले साल दिसंबर में इसे ईयू के उम्मीदवार का दर्जा दिया जा चुका है। ईयू और अमेरिका ने बिल का विरोध करते हुए इसे जॉर्जिया की राह में रोड़ा बताया है जबकि रूस और हंगरी ने इसका बचाव किया है। मध्य अप्रैल में जब पहली बार ये विधेयक संसद से पास हुआ तो इसका विरोध शुरू हो गया। तब से छात्र रात में राजधानी
तिबलिसी के मुख्य रास्तों को अलग अलग दिन बंद कर देते हैं। अब सरकार के समर्थकों ने भी संसद के बाहर डेरा डाल दिया है। पिछले साल बढ़ते विरोध के बाद सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया था, लेकिन इस साल 4 अप्रैल को फिर से इसे संसद में पेश करने का ऐलान किया। विपक्ष इसे रूसी कानून करार दे रहा है। इसकी तुलना रूस के उन कानूनों से की जा रही है जिसका इस्तेमाल क्रेमलिन अपने यहाँ विरोधियों को दबाने के लिए करता है। सरकार इसे बिना वजह लंबा खींच रही है। अंत में जीत हमारी ही होनी है। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहा ये देश पिछले 3 दशक से उथल पुथल के बीच रूस और पश्चिमी देशों के बीच अपनी जगह तलाश करने की कोशिश कर रहा है। 2008 में रूस के खिलाफ एक संक्षिप्त युद्ध में इसे हार का मुंह भी देखना पड़ा है। सत्तारूढ़ ड्रीम पार्टी गैर सरकारी संगठनों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और विदेशियों द्वारा थोपे गए छद्म उदारवाद मूल्यों का मुकाबला करने के लिए विदेशी एजेंट बिल को जरूरी बता रही है। साथ ही पार्टी का ये भी दावा है कि ये कानून जॉर्जिया के यूरोपीय संघ में शामिल होने का रास्ता प्रशस्त करेगा। अगर पारदर्शिता नहीं है तो लोकतंत्र खतरे में है। हमारा मानना है कि कानून के शासन की रक्षा और पारदर्शिता के सिद्धांत की रक्षा दोनों से यूरोप के साथ हमारे देश के एकीकरण में मदद मिलेगी। वहीं कई प्रदर्शनकारियों को लगता है कि 2003 की रोज क्रांति के तर्ज पर मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए रास्ता तैयार हो चुका है। सड़क पर तनाव कभी कभी जॉर्जिया की अक्सर हंगामेदार रहने वाली संसद में मारपीट में तब्दील हो जाता है। 15 अप्रैल को विधेयक पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के सांसद आपस में भिड़ गए। एक विपक्षी नेता ने सत्तारूढ़ दल के सांसद के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया था। और आइए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। केन्या में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे केन्या में बाढ़ और भूस्खलन से मार्च के बाद से 181 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए हैं। पड़ोसी देश तंजानिया और बुरुंडी में भी दर्जनों लोग मारे गए हैं। मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने पूरे क्षेत्र में घरों, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है। मरने वालों की संख्या पिछले साल के अंत में आई बाढ़ से हुई मौतों से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में देश भर में और बारिश होने की उम्मीद है। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। सूडान की खिलाड़ी एंजेलिना नेदई लोहालिथ डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। 2016 और 2021 ओलंपिक में 1500 मीटर रेस में शरणार्थी एथलीट के रूप में भाग लेने वाली एंजेलिना नेदई लोहालिथ को प्रतिबंधित दवा ट्राइमेटाजिडिन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्हें 4 साल के लिए प्रतियोगिता से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये घोषणा पेरिस खेलों के लिए एथलीटों के चयन की पुष्टि करने से 2 दिन पहले की गई। एंजेलिना पिछले कुछ महीनों में डोपिंग अधिकारियों की पकड़ में आने वाली तीसरी शरणार्थी एथलीट हैं। उन्होंने आखिरी बार मार्च के अंत में बेलग्रेड में विश्व क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भाग लिया था। और आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया का दिल। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न देशों में श्रमिकों ने सरकार से अपनी समस्याओं का हल निकालने की गुहार लगाई। दरअसल 1 मई को मई दिवस के जरिए लोगों को श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाने और देश निर्माण में उनकी अहम भूमिका के बारे में सजग करने की कोशिश की जाती है और बताया जाता है कि राष्ट्र निर्माण में मजदूरों की कितनी अहम भूमिका होती है। श्रमिकों के योगदान की सराहना और उनकी परिस्थिति और समस्याओं के बारे में जागरूक करने के मकसद से दुनिया भर में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर बड़ी संख्या में श्रमिकों ने अपनी अपनी सरकार से अपनी समस्याओं को हल करने की गुहार लगाई।
इस मौके पर हजारों दक्षिण कोरियाई श्रमिक सियोल में रैली निकाली और सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। श्रमिकों का आरोप है कि राष्ट्रपति यू सुक योल के शासन से पहले हफ्ते में कार्य समय 56 घंटा था, जिसे बढ़ाकर 69 घंटा कर दिया गया। साथ ही उन्होंने छुट्टियों का उचित अधिकार नहीं मिल पाने की भी शिकायत की। हम लोग श्रमिक हैं, लेकिन हम में से कई लोगों को छुट्टियों का उचित अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उधर तुर्की में भी मई दिवस के मौके पर श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल मई दिवस के मद्देनजर इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर पर प्रतिबंध लगा रहा। जैसे ही श्रमिकों का जुलूस चौक पर पहुंचा तो सुरक्षा बलों ने इन्हें रोकने की कोशिश की। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने इनमें से कई को हिरासत में ले लिया। बीते सालों में प्रदर्शनकारियों ने मई दिवस पर तकसीम स्क्वायर पर रैलियां आयोजित की थीं, लेकिन हाल ही में स्क्वायर पर सभी तरह के प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मामले में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने दोहराया कि मई दिवस पर तकसीम स्क्वायर पर किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। जबकि कई दंगा करने वाले पानी की तोपों के साथ तकसीम स्क्वायर पहुंचने वाले सभी सड़कों को जाम कर दी। फिलीपीन की राजधानी मनीला में मई दिवस के मौके पर अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। पुलिस जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। मनीला में न्यूनतम दैनिक मजदूरी 610 पेसोस है, जिसे कार्यकर्ता जीविका के लिए पर्याप्त नहीं मानते हैं। हालांकि राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा कि देश में न्यूनतम वेतन की समीक्षा के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। यह वास्तव में सही समय है कि कर्मचारियों वर्तमान सरकार के सामने अपनी मांग रखें। इसलिए इस मजदूर दिवस पर वेतन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है, जिसे उठाया जाना चाहिए। वहीं स्पेन के मैड्रिड में मई दिवस के अवसर पर बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग को लेकर हजारों लोगों ने मैड्रिड में मार्च निकाला। इसके अलावा ग्रीक समेत दुनिया भर में कई जगहों पर रैलियां निकाली गईं और अपनी मांग रखी गई। वहीं फ्रांस में भी श्रमिकों ने मई दिवस के मौके पर रैली निकाली और सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराया। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।